नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिले में 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान को लेकर सीएमओ कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। कन्नौज जनपद में 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान को लेकर शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं के टिटनेस के टीके 2 साल तक के बच्चों को 13 जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान में महिलाओं व बच्चों को चिन्हित किया गया है जो नियमित टीकाकरण में छूटते हैं। इस अभियान को टीकाकरण पूर्ण करने के लिए चलाया जा रहा। इस अभियान के अंतर्गत पूरे जिले में 1401 सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इस अभियान के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। 7 मार्च से शुरू है, 3 चरणों में होगा, जिसमें जनपद के सभी ब्लॉकों में 9179 बच्चे जो 2 साल तक के हैं और उनकी कोई डोज छूट गई है या कोई टीका नहीं लगा है, उनको लक्ष्य रखा गया है। गर्भवती माता हैं, वो 3242 हैं जिनको टिटनेस से बचने के लिए, टिटनेस और डिप्थीरिया टीडी लगता है, तो दो बीमारियों से बचने के लिए उनको टीकाकृत किया जाना है। इसमें इसके माइक्रो प्लान हमारे पास आ गए सभी ब्लॉक के। इस टीम में ANM रहेगी जो टीकाकरण का कार्य करेगी। आशाओं के द्वारा डी लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट से सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। 23 महीने तक के उनको टारगेट करना है, उनको लगाना है 100%। क्यों, क्या हुआ था कि कोविड वैक्सीनेशन 2020 में भी था, 2021 में भी आया, उसकी लहर आई, उसकी वजह से हमारे बहुत से बच्चे छूट गए थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको एक डोज लग पाई थी, किसी को 2 डोज लग पाई थी, या छूट गए थे, या किसी कारण उनको बिल्कुल नहीं लगा पाए, या जो बच्चे घर में पैदा हुए थे उनको वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। तो हमको वो बच्चे देखने हैं, तो हमने पूरे अपने कन्नौज ब्लॉक में हर ब्लॉक में सेशन लगाए जो हमारे सेशन छूट गए थे, या हमको इतने बच्चे में कवर करने हैं। तो टोटल हमारे जो बच्चे जो हमको कवर करने हैं वो हैं 9179 बच्चे हमको 0 से 2 साल के बच्चों को कवर करना है। इसके लिए हमने पूरे ज़िले में 1401 सेशन लगाए हैं, और जो गर्भवती माताएँ हैं जिनको एक टीका लग गया था या 2 लग गए थे या इनको कम लग पाए या अनवैक्सीनेट रह गई हैं, इनको बिल्कुल नहीं लग पाए, वो इस तरह की माताएं थी 3242 जिनको हमको टारगेट करना, बच्चों को करना है कितने हमको सेशन लगाने हैं और कितनी गर्भवती माताओं को टीका लगाना है। ये हमारा इस प्रोग्राम का मेन फोकस है, और इसी पर हम लोगों को मार्च अप्रैल मई 3 महीने इनको कवर करना है। और ये इस समय क्योंकि हर काम आपको मालूम कोविड वैसे छूट गया था, हमारे सेशन बहुत सारे छूट गए थे, बहुत सारे बच्चे हमारे छूट गए थे। अब हमारे अगर इन्हीं बच्चों को हम टीका नहीं लगा पाएंगे तो आगे चल के यही बच्चे बीमार पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब यही है, जितना हो सकता है, कि कोविड का हमारा फर्स्ट डोज का 100% हो गया आप लोगों को मालूम है, और जो सेकेंड डोज है वो भी हमारा 79% करीब पहुँच गया है। बाकी जो 15-17 साल वाले बच्चे थे वो भी हमारे 85% हो गए हैं, जो स्कूल वाले बच्चे थे। जो 60+ वाले हैं जिनमें मेन दिक्कत है जो कोविड वो मॉडल पेशेंट हैं जिनको मतलब जो सर्दी जुकाम है या डायबिटीज़ है या हार्ट डिसीज़ है या रिनल डिसीज़ है, मतलब ऐसी बीमारी जो 60 साल के ऊपर जो मैक्सिमम होती हैं, उनको हमको 100% कवर करना है। तो वो अचीवमेंट हमारा एक तरह से हमारा 90% हो चुका है, तो हमें उसको कम ध्यान देने के बजाय हमको मेन फोकस हमारे बच्चे टारगेट करने हैं। उपस्थित थे उसमें प्लान किया गया कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो जैसे अब इंडक्शन ने बताया कि ICDS है, एजुकेशन है, और ये हमारे उन्हीं जगहों पर सेशन लगने हैं जहाँ पर के बच्चे या गर्भवती माताएं आ सकती हैं, जहाँ इनको इजी अप्रोच हो, वहीं पे ये हम लोग सेशन लगाएंगे। जैसे हम लोग लगाते थे RI में के वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाना है या स्कूल में लगाना है, वहाँ पर हमको नहीं लगाने हैं, ये हमको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर हमारे बच्चे आ सकें, उनको ईजिली अप्रोचेबल वो जगह हो, वहाँ पर हमको लगाना है ये वाले सेशन। और कौन कौन से बच्चे हमें देखने हैं, जो ईंट भट्टों वाले हैं, घुमंतु वाले हैं, जो हार्ड टू रीच एरिया है जहाँ पे हमारी टीम पहुँच नहीं पाती थी, जहाँ हमारे सब सेंटर खाली हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत सारे छूट गए हैं, हमको इस तरह फोकस करना है।
ये 3 महीने वाला प्रोग्राम है जो आई एम एम हमारा चलेगा, तो इनमें हमको इतना टारगेट हमको करना है। मेन फोकस इसका यही है, इन लोगों का हमारा साथ अभी स्टार्ट हो जाएगा। 5 वर्षों से हमारा मंडले से ये प्रोग्राम चालू हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग जो है हर लेवल पर होगी, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। सर जी, जिन महिलाओं के शुगर है तो उनके क्या होगा? शुगर ऐसे है कुछ लोगों की, तो उनके कोई चांस नहीं होगी, वहाँ तो टीकाकरण होगा उस साइड पर। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।